कहा किसने मकाम बूढ़े नहीं होते, कभी तुम भी समुंदर पार जाने पर अगर मजबूर हो जाओ तो देखोगे कि जब धरती पिघलते टिमटिमाते आखिरी अय्याम में तुमको भुलाएगी और एक रेशम की डोरी से बंधे तुम लौट आओगे तो वो चांदी सा उजला घर जिसे रोता हुआ तुम छोड़कर परदेश की जानिब सिधारे थे, खमीदा भारी जुस्सा अपने सूजे पांव पर रखे पुरानी कितने खम खासी लरसती चिरचिरासी सीढ़ियां उतरेगा और दहलीज पर रुककर तुम्हें सीने से चिमटाकर कहेगा, यार इतनी देर क्यों कर दी। मैं 1922 में इसी हवेली में पैदा हुआ था और 1925 में मैंने प्राइमरी स्कूल में तालीम के लिए दाखिला लिया। इससे पहले का जो अरसा है वो एक तारीख बर आज़म है जिसे मैंने देखा नहीं लेकिन उसके बारे में सुना है। 1910 में जब ये इलाका आबाद हुआ, नहरें आई, तो मेरे दादा जान, उनका नाम वज़ीर ख़ान था, मैं उनका हमनाम हूँ, तो वो यहाँ आए तो उन्हीं के नाम पर ये गांव छोटा सा आबाद किया गया और इसका नाम वज़ीरकोट रखा गया। वो एक साल यहाँ ज़िंदा रहे, उनकी वफात के बाद मेरे वालिद ने ये सारा कारोबार ले लिया। इससे पहले वो लाहौर में रहते थे और लाहौर में रहने से पहले पेशावर से आए थे और पेशावर में आने से पहले अफ़गानिस्तान और इससे पहले ईरान से आए थे। वो हमारी फैमिली में दो सिलसिले थे, एक तो पठानों का सिलसिला था और एक अज़रबैजानियों का सिलसिला था, तो घोड़ों का कारोबार था उनका। फिर ये घोड़ेपाली के सिलसिले में ये इलाका जो है वो तकसीम होना शुरू हुआ तो वो घोड़ेपाली के सिलसिले में यहाँ पर आ गए। मेरे वालिद सख्त मिजाज भी थे और बहुत हलीम सभा भी थे। जब कामकाज का मसला होता था यहाँ की गवर्नेंस का तो उसमें तो वो खासे सख्त मिजाज थे, लेकिन चूँकि वो स्कॉलर भी थे ख़ास तौर पर तसव्वुफ़ के और फ़ारसी के हज़ारों अशार उन्हें ज़बानी याद थे और अरबी संस्कृत और अंग्रेज़ी में भी वो पढ़ी हुई थी ज़ुबानें उन्होंने और काफ़ी उनका लिटरेचर भी उन्होंने मुताला किया हुआ था, इसलिए वो एक बहुत ऐसी शख्सियत थे जिन्हें मिलने के लिए बहुत से लोग, मैं बाद की ज़िंदगी में मैं अर्ज़ करता हूँ कि बाद की ज़िंदगी में बहुत से लोग यहाँ आए जब वो बौ एन खे के नाम से अदबी दुनिया में मुतारफ़ हुए और किताब भी छपी जो बाद काफ़ी लोगों को तक पहुँची। मेरी वालिदा बाप के हवाले से तो सैयद थी और माँ के हवाले से मुग़ल थी। उनके जो मेरे नाना जान जो थे वो वहाँ लखनऊ में रहते थे और मेरी जो वालिदा हैं वो कलकत्ते में पैदा हुई थी। इसके बाद मेरे नाना जान की वफात के बाद वो यहाँ लाहौर में आ गई और मुग़ल हवेली में रहीं। यहीं फिर मेरे वाले से उनकी शादी हुई और वो लोग यहाँ पर गांव में आ गए। मेरी तालीम का आगाज़ इस प्राइमरी स्कूल से हुआ जो हमारे गांव में उस वक्त वाहिद स्कूल था। ये आज से कोई 80 बरस पहले वाक़ है और मेरे वालिद मुझे लेकर आए थे यहाँ स्कूल में और फिर मुझे रोता छोड़कर चले गए थे, लेकिन कुछ ही अर्से के बाद मेरा दिल लग गया और मैं लड़कों के साथ तालीम में मसरूफ़ हो गया। यहाँ कोई 4 साल तालीम हासिल करने के बाद मुझे वाले साहब ने एक करीबी गांव के मिडिल स्कूल में भेज दिया। वो सिखों का गांव था, चक 34 जनूबी का, ये चक 56 का प्राइमरी स्कूल था और वो चक 34 का मिडिल स्कूल। मैंने वहाँ पर कोई 3 साल गुजारे और जिस उस्ताद के साथ मैं रहता था उनका तबादला हो गया सिलावाली में, तो वो मुझे अपने साथ ही ले गए, तो एक बरस मैंने सिलावाली में गुजारा। इसके बाद मैं मिंटगुबरी चला गया अपने चाचा के पास
वो उस वक्त साहिवाल नहीं बना था, मिडगोबी कहलाता था। और वहाँ से वापस आकर फिर मैंने सरगोधा गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान 1937 में पास किया। इसके बाद मैं 2 साल के लिए झंग चला गया, झंग इंटरमीडिएट कॉलेज में दाखिल हो गया। तो उस वक्त डॉक्टर सलाम जो थे, जो बाद में नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला, वो भी उस स्कूल के तालिब इलम थे, लेकिन मुझसे 2 साल पीछे थे। वहाँ से फिर जब मैंने एफ़ए कर लिया तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में चला गया। स्कूल के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर इंस्पेक्टर का आना एक बहुत बड़ा वाक़या होता था, और हमारे जो उस्ताद थे वो आम किस्म के पुरतकल्लफ़ लिबास में नहीं होते थे, वो सहमत बांधते थे, लेकिन इंस्पेक्टर के आने से पहले वो एक लड़के को यहाँ नहर के किनारे मुतय्यन करते थे कि वहाँ से वो एक झंडी हिलाएगा कि इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। तो उस वक्त वो कमरे में जाते थे और जाकर शलवार पहनते थे और पगड़ी सर पर रखते थे और आकर बैठते थे, और जब वो इंस्पेक्टर चला जाता था तो उसी लम्हे वो जाकर दोबारा कमरे में अपना जो देहाती लिबास है वो पहन लेते थे। ये बात मुझे अच्छी तरह से याद है। जब मैं स्कूल में था तो मैं वॉलीबॉल खेला करता था, और इसके बाद जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज झंग में तालिब इल्म था तो मैंने टेनिस खेलना शुरू की, और 2 साल तक मैं टेनिस खेलता रहा। लेकिन फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जाकर मैंने कोई गेम नहीं खेली, मैं अपनी तालीम में पूरी तरह से मसरूफ हो गया। मैं इतने जनाब सन 55 च आया मेडल करके, उस तो बाद आगा साहब के नाल ही साथ रहा, फीस फूस सू देते रहे ने, मैट्रिक इतने लालियाँ किया मैं। उस तो बाद आगा साहब ही पिया जिम्मेदारा दे विच, और आगा साहब निहायत शफीक हमदर्द और बहुत ही खलूस वाले इंसान ने। मेरा जमपाल इतों का ही है, मैं शुरू तो जानना आगा साहब न बेहतरीन आदमी, मैं सारा कुछ इत जमया पलिया इत ही, मैं इन्होंने कोल ही, तो बेहतरीन बहुत अच्छा, एडा नेक बंदा ही कोई नहीं मिल सकता। आगा साहब सारे चकते बड़ा अच्छा सलूक वर्तव करते हैं, गरीब की हमदर्दी करते हैं, सारे जो बैठे तकरीबन लोग बैठे ने उन्होंने बड़ी हमदर्दी करते हैं, तो बहुत ही अच्छी जी उन्होंने खासियत है। तो फरिश्ता ने सिर्फ बंदे ने जी बहुत अच्छे ने जी, आवाम वास्ते बड़ा कुछ इन्हें किया जी। गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल करना एक बहुत बड़ा तजर्बा था मेरे लिए, क्योंकि मैं छोटे छोटे स्कूलों और कॉलेजों से वहाँ पहुँचा था। तो उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बारे में ये बात मशहूर थी कि दी बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ईस्ट ऑफ स्वेज, पूरी दुनिया के हवाले से वो कहते थे कि स्वेज के की तरफ जो इदारे हैं, तालीमी इदारे, इनमें बेहतरीन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है। उस वक्त एक अंग्रेज़ यहाँ के प्रिंसिपल थे डनीक्लिफ, और एक साल के बाद डनीक्लिफ तब्दील होकर चले गए और इनकी जगह फिर प्रोफेसर सोंधी आ गए। प्रोफेसर सोंधी बहुत मशहूर हुए और काफ़ी अरसा तक वो यहाँ पर है, पार्टीशन तक वो तकरीबन यहीं रहे। और उन दिनों में बहुत से असातिज़ा थे हमारे, बहुत से अंग्रेज़ भी थे जो पढ़ाते थे, और अब सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम वो मुझे अच्छी तरह याद हैं कि उनसे फिर मुलाकातें तो नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें हम दूर से देख लेते थे और बहुत इंस्पायरेशन महसूस करते थे। गवर्नमेंट कॉलेज झंग में तो मेरे मज़ामीन फ़ारसी, तारीख और फ़लसफ़ा था, ख़ासतौर पर वहाँ पर लॉजिक वगैरह पढ़ाई जाती थी, तो इनमें मेरी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी। और बाद हज़ा भी इस इनमें बहुत ज़्यादा मैंने काम किया, ख़ासतौर पर फ़लसफ़े में, तारीख़ में, और ये जो मैंने अदब तख्लीक किया इसमें भी ये अनासिर बड़े अजीब तरीक से जज्ब होते चले गए। तो ये मेरे मज़ामीन थे। वहाँ पर जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आया तो मैंने इकोनॉमिक्स ले लिए, ये वाले साहब के कहने पर, मुझे इसमें दिलचस्पी कोई नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स करनी है, तो मैंने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ले लिया और फिर एमए मैंने इकोनॉमिक्स में किया। कॉलेज से फरागत पाने के बाद मैंने कुछ अर्सा के लिए तो सियाहत की, यानी बड़े सगीर की सियाहत, और मैं बॉम्बे चला गया, वहाँ से पूना गया, तो घोड़ों का कारोबार था हमारा, तो उस सिलसिले में मुझे वाले साहब ने कहा कि बहुत से स्टड्स जो हैं वहाँ के जाकर देखूँ, मैं घूमता रहा। इसके बाद मैं 2 बार कश्मीर भी गया और डलहौजी भी गया और वहाँ पर कांगड़े भी गया, ये सारी जगहों पर मैं फिरता रहा। गांव में मेरे एक मेरा भांजा था शमसागा उसका नाम था।